हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो जो है स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर सेकंड ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका था। मैं रख रही थी थोड़ा सा लौकी उबलने के लिए, तो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था और नमक भी डाल दिया है। बस कुकर का ढक्कन लगाना था। जो कुकर के जो ढक्कन का पीछे का जो होता है, जो इसमें लगता है कुकर में पीछे की साइड, वो है ना टूट रहा है, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। बहुत कुछ है ना, रबड़ भी चेंज। कटोरी तो यहाँ पर लौकी जो है, मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था जैसे कि आप लोगों को दिखाया था, और ये कुछ मैंने रख दिया है उबलने के लिए। मुझे बनाना है रायता और कुछ मैंने इसमें निकाल लिया। इसमें डाल देती हूँ मैं बेसन। तो अभी जो है मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और अभी मैं इसमें डालूँगी सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कलर वाली मिर्च, और थोड़ी सी जो है मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ी ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं। बच्चे नहीं खाते हैं फिर ज़्यादा हो जाती है। तो और अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक भी हमने डाल दिया और थोड़ा सा धनिया और इसमें डालना है अभी। तो धनिया भी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए धनिया भी मैंने डाल दिया। तो सारे मसाले जो मैंने ऐड कर लिए हैं इसमें, और अभी हमें इसको मिला लेते हैं अच्छे से, हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको है ना अभी मिला लेते हैं। तो इसमें और भी बेसन डलेगा, अभी थोड़ा पतला आया बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल पतला पतला हो गया। तो थोड़ा सा बेसन का और यूज होएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बेसन भी डला दिया था, सारे मसाले भी। तो थोड़ा पतला लग रहा था, लौकी को मैंने निचोड़ लिया था फिर भी ये पतला पतला हो गया। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और डाला, इसको अच्छे से सेट कर लिया। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते, और एक बार फिर से जले हुए कोफ्तों की सब्ज़ी। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रही, एक टाइम मैंने कोफ्ते बनाए थे तो वो मुझसे जल गए थे। तो यूट्यूब पर तो है ना सभी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा वो किया था, और हो जाती है गलती, हर किसी से हो जाती है। मैंने कभी नहीं बनाए थे, फिर मैंने उसके बाद वीडियो में शेयर ही नहीं किया। मैंने कहा कि जब मैं अच्छे से बनाऊँगी तभी शेयर करूँगी। तो आज मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं तभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम बाजी दफ़े होता है, हम बहुत चाहकर सब्ज़ी बनाते हैं और वो बिगड़ जाती है। तो ऐसा तो किसी की भी साथ हो सकता है, पर होते हैं बहुत सारे लोग यूट्यूब पर जो सभी की टांग खींचने लगे रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो समय के साथ सब चीज़ें में फ़र्क पड़ जाता है। मैं किसी को भला बुरा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक बात बोल रही हूँ, अगर आप किसी को राय नहीं दे सकते तो इतना ज़्यादा बेइज्जत करना या उसको जली कटी सुनाना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत उस टाइम पर लोगों ने बहुत कुछ बोला, कोई नहीं, अभी आज तो अच्छे बने होंगे शायद, मैं तो नहीं बोलती अच्छे बने, आप लोग बता दीजिए कैसे बने। अभी एक कमेंट आ रहा था कि तेरे को सब्ज़ी अच्छी बनानी नहीं आती है। तो देखिए अपना अपना बनाने का हर आदमी का तरीका होता है। तो आप किसी और तरीके से बनाते हैं, हम किसी और तरीके से, मसाले तो सेम वही डालते हैं, एक आध मसाला आप एक्स्ट्रा डाल लेते होंगे, हम कम डाल देते हैं, बस यही मसालों का ही फ़र्क मान लीजिए। वरना छोंक तो आप भी ऐसे ही लगाते होंगे, या फिर दाल में लगाएं तो थोड़ा उबाल के लगा लें, मतलब थोड़ा सा तरीका चेंज हो सकता है। चलिए इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करते हैं। और अभी जो है एक साइड तो मैंने कोफ्ते तले थे, दूसरी साइड मैंने ये वाली कढ़ाई रख ली है गैस पर, इसमें छोंक डाल दिया, लहसुन प्याज और साबुत जो है 3 से 4 बड़ी लाल मिर्च ले ली है मैंने, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तो मुझे बनानी है आज कोफ्तों की सब्ज़ी। तो कढ़ाई जो है ना सच में नहीं है मेरे पास में, ये जो दोनों तीनों कढ़ाई है ना बोधी हो गई है, इनमें छोंका ना जल जाता है या फिर मतलब ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, और एक तरह से ठीक है पर मतलब चीज़ लग जाती है इनमें तलों में, तो अच्छे नहीं है। एक कढ़ाई मैं सोच रही हूँ कि गाँव में जो बागड़ी आते हैं उनसे ले लूँ, अच्छी कढ़ाई छोटी और ज़्यादा भारी भी ना हो, गैस पर अच्छा काम करेगी, या फिर दुकान से ले लूँ हवाई जहाज़ की चादर वाली छोटी, अभी लेने वाली हूँ कुछ दिन में ही, सोच रही हूँ अभी पहले कुछ काम है ज़रूरी वे कर लेती हूँ। अभी जो है छोंक को अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटरों में भी मैंने है ना थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लिए हैं। तो नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, कुछ हमने उसमें पहले डाल रखा था कुछ इसमें डालेंगे, थोड़ा कम ही डाल लेंगे, ऐसे भी हम लोग है ना कम ही नमक खाते हैं। और अभी जो है बस छोंक मेरा अच्छे से भुन जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा इसमें यही दिक्कत है, बराबर चला के रखना पड़ता है वरना साइडों में छोंक फूक जाता है, बीच में से रह जाता है, पता नहीं किस तरह की कढ़ाई हो रही है। और अभी मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, छोंक मेरे पक चुके थे। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें
साथ के साथ सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर ली थी। और ये देखिए मैंने डाल दी हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी जो है यहाँ पर मैंने टमाटर डाले दिए थे, तो इनको मैं थोड़ा चम्मच से ना छेद लेती हूँ और इनको मसालों को अच्छे से पका लूँगी, टमाटरों को भी अच्छे से पका लूँगी। तो थोड़ा सा चम्मच से इसमें छेद लेती हूँ, थोड़ा बारीक बारीक सा हो जाए। और मैं ज़्यादा बारीक टमाटर नहीं काटती, कभी भी मोटे मोटे ही काटती हूँ। आप लोगों को कायरों की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास ही है। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है पानी, तो इनको मसाले को और साथ के साथ ये कोफ्तों की जो तरी है उसको अच्छे से पका लेते हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम डालेंगे इसमें कोफ्ते। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ ले रहे हैं चाय, और जो लौकी मैंने उबाला था वो निचोड़कर इसमें डाल दिया है चाय में। हम बना रहे हैं मट्ठा, मट्ठे का रायता, कुछ लोग मट्ठा बोलते हैं, हम लोग चाय बोलते हैं, रायता बना रहे हैं। जी हाँ, आज कोफ्ते हैं, रायता है। कभी अब हम लोग हैं ना, खाने का टेस्ट है ना चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग सा खाते रहते हैं। तो देखिए बच्चों को जैसा खिलाऊंगी वैसी ही आदत पड़ेगी, और मैं इनको सब चीज़ों की आदत डाल रही हूँ। तो अभी रायते में डाल लिया थोड़ी सी कलर वाली मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एक जगह मिक्स कर दिया है। तो आज हम जीरे का तड़का नहीं लगाएंगे, ऐसे ही पियेंगे, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था हमको, आज मन नहीं था जीरे का तड़का लगाने का। ये देखिए हमारी तरी में जो है ना हल्का हल्का सा खद्दा आ गया था। अभी देखिए खद्दा भी बोलते हैं, उबाल भी बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं गांव में कि भाई सब्जी में खद्दा आ गया। और ये देखिए उबाल आ गया। फिर अभी मैंने इसमें ना एक एक करके कोफ्ते डालने शुरू कर दिए हैं। तो जी हाँ, कुछ लोग बोले थे इतनी सारी सब्ज़ी क्यों बनाते हो, तो मैं इतनी सारी सब्ज़ी इसलिए बनाती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना सब्ज़ी खाते हैं ज़्यादा। मैंने इनको ऐसी आदत गिर दी कि रोटी कम, सब्ज़ी ज़्यादा खानी है बेटा, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए कोफ्ते मैंने इसमें डाल ही दिए हैं, और अब इसको हम ढक देते हैं। जी हाँ, हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, फिर हम कुछ और काम कर लेते हैं। अभी देखिए हमारी जो है कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी जो है मैं गई थी चक्की पर। जी हाँ, मैं लाई हूँ हाड़ा उठाकर, जैसे कि आप लोगों ने दो तीन दिन पहले ब्लॉग में देखा होगा, मैं चक्की पर रख कर आई थी नाज। और अभी हमारा आटा पिस चुका है, वही मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए, और अभी हम इसको डाल देंगे कुंडे में, कुएं में मतलब, जिसमें हम चून रखते हैं। पर मैं गई तो मैंने सोचा कि पता नहीं पिसा होगा या नहीं, तो पहले हमने उनसे पूछ जो है, जैसे कि आप लोगों भैया गिर जाएगा, देख तू कहाँ चढ़ रही है, भाई गिरेगा। अभी जो है जैसे मैंने उसमें आटा घाल दिया, आटा घालने के बाद में थोड़ा सा कट्टे में लगा रह जाता है, तो वही मैं गाय के आगे झाड़ने के लिए आ गई थी। जी हाँ, और कायरों मेरे साथ साथ। और अभी हम लोगों ने कट्टा झाड़ दिया, तो बस थोड़ा सा ये गाय है ना, इसका जो धागा था उसको मुंह में खींच रही थी, तो मैं थोड़ा आगे खींचा। और अभी भी थोड़ा सा अच्छे से मतलब मैं इसको झाड़ दूँ, कहीं किसी कोने में लगना रहा, फिर उसको ना मैं तय बना कर रख देती हूँ। और जी हाँ, तय बना ली, अभी इसको रख दूँगी। पर यहाँ थोड़ा सा पहले काम कर लेते हैं,
इधर मैं बोल रही थी चाचा चाची जी से, तो चाचा चाची जी मेरे से बात कर रहे थे कि भाई ज्योति गाय को घास कर रही है। मैंने कहा चाचा जी वो मैं आटे का कट्टा था वो लेकर आई थी और थोड़ा सा यहाँ इसका बछड़े का गोबर पड़ा है, मैं कहा इसको इकट्ठा कर देती हूँ झाड़ू से, थोड़ा सा अंदर को झाड़ू लगा देती हूँ गंदा हो रहा। तो वो कह रहे कि हाँ भाई काम कर रही है ज्योति, तो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही चाचा जी नहीं कोई नहीं, काम करने का कोई टाइम नहीं होता, हम लोगों का था ही नहीं गाँव में। आज जैसे बगड़ खुला हुआ है घर है तो गाँव में तो ज़्यादातर है ना ऐसे ही रहता है, धूप तो सारे में रहती है सारे दिन। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अंदर सकेर दिया, आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर थोड़ी जगह रह गई है। और ये बछड़ा है ना इसको मैं खिला रही थी थोड़ा सा, तो यहाँ पे बच्चे बोले कि मम्मी हम भी खिलाएंगे, अवनी भी इसको खिला रही थी बाबू बाबू करके। और बड़ा प्यारा बछड़ा है, बड़ा अच्छा लगता है, छोटे छोटे मीमा बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को। और अभी देखिए शाम का समय हो गया है और मैं डाल रही हूँ चारपाई, जी हाँ मैं चारपाई डाल रही हूँ। और तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ मेरा सेकंड व्लॉग है ये मैं सोचना कि एक दिन में दो एक वो अगले दिन भी दूसरे यही कपड़े पहन लिया, सेकंड व्लॉग चल गया था मेरा। और जैसे मैं चारपाई डाल रही थी ये फ्रिज है ना खुल गया इसका खट के पावे से, अपर ना जगह थोड़ी रह जाती है, इधर फ्रिज हो गया फिर बेड हो गया, तो चारपाई डालने में थोड़ी दिक्कत होती है। रूम की सेटिंग मैं करूँगी अभी, पर अभी नहीं कर रही हूँ, अगले महीने कुछ स्पेशल डे है तो तभी देखती हूँ। और फ़िलहाल अभी पक्का नहीं पता कैसे क्या होगा। और मैंने ये ना अभी यहाँ पर डाल दिए हैं चारपाई, फ्रिज बंद कर दिया है और अभी हम लगा रहे हैं पंखा। जी हाँ हम लोग हैं ना अभी भी रूम में सोते हैं क्योंकि हमारी जो है मच्छरदानी में बांधने के लिए डंडे नहीं हैं, छड़ी नहीं है, मतलब डंडे भी बोलते हैं, तो वो मेरे को लेके आनी है और जैसे मार्केट जाऊँगी तभी ला पाऊँगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ चला लेती हूँ। फिर इसको धमका रही थी मैं, ये इसको पंखे को छेड़ता है, अभी दो दिन पहले तो इसने उंगली दे दी थी इसमें, जब वैसे मैं चलाती नहीं हूँ दिन में भी चाहे हमको कितनी गर्मी लगे क्योंकि इसका डर लगता है। और अभी मेरा सारा काम नहीं मिट गया है तो मैं इसको लेकर बैठ जाऊँगी, फ़ैन तभी चला रही हूँ, हम लोग अब पंखे में बैठ जाएंगे या फिर आराम से इसी में लेट जाएंगे सो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। जब तक ये जगता रहता है ना तब तक ही थोड़ी सी दिक्कत मेरे को रहती है, वही अभी हो रही है क्योंकि अभी आ गया था, इसको मैं डांट रही थी कि पीछे हटो पंखे में हाथ दोगे फिर। और अभी हमने पंखा चला दिया है और चलिए आप लोग भी आ जाइए हवा खाने के लिए। ये फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा जो हो रहा है ना ये कायरा मंड रहा है, वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। अरे फैन वेर बंद हो रहा था अच्छे से, करंट नहीं आ रहा था तारों में, थोड़ा सा देख के लगाने पड़ेंगे। ऑल आउट भी ले रही थी मैं, मेरे को वो भी लगानी थी, दोनों चीज़ें सेट करनी। और आज वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, मिलती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में।